हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर बात कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम का और गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्योर। यहाँ पर हमारी कॉन्सेंट्रेशन ओर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उस जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उससे हम मेटल को सेपरेट करेंगे। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, द मेथड बाय विच क्रूड मेटल इज ऑब्टेंड इन फ्री स्टेट। यहाँ पर हमें जो मेटल है वो फ्री स्टेट में ऑब्टेन होगी फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन, जो हमारा मेन जो हमारे चैप्टर का नाम है एक्सट्रैक्शन, मतलब जो प्योर मेटल है उसका हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उससे सेपरेट करेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन। तो इस प्रोसेस में हमने दो स्टेप फॉलो करनी होती है। नंबर वन कि जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो बना है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्साइड। ठीक है, हम इसको मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद हम ऑक्साइड बन गया है हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड, अब हम वो मेटेलिक ऑक्साइड से ऑक्साइड को रिमूव कर देंगे। देन रिमूवल ऑफ ऑक्साइड इज रिडक्शन। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो हमारा क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू द मेटल ऑक्साइड फॉलोइंग टू मेथड, इसके लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर के ऊपर एयर को, हॉट एयर को ब्लू करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पर हॉट एयर जो होती है वो उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत कम होती है, और इतना गर्म करेंगे हम उसको कि वो मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचे। मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचना चाहिए। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर होती है, गर्म तो कर रहे हैं अपन लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, किस में, फर्नेस में, फर्नेस मतलब भट्टी। Or is heated up extent where it does not melt. During this process, hydrated oxide and hydroxide and carbonate ore. ये जो calcination process है ये किसके लिए use होता है, carbonate, generally carbonate ore के लिए use होता है, hydroxide ore के लिए भी ये जो use होता है। ऑल द volatile impurities, volatile मतलब जो कि उड़ सकती है, ठीक है, जिनके अंदर मोमेंट होता है, लाइक CO2, SO2 गैसेज हैं, मोमेंट होता है, एंड द मॉइस्चर जो होती है वो इससे, इस प्रोसेस से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर देखो जो लेमोनाइट है हमारे पास Fe2O3, उसमें वाटर की इम्प्योरिटीज़ है, तो वाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये Al2O3 है ना कि Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास, Al2O3 बच जाएगा, ये कार्बोनेट ओर के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग जो है इसमें भी हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो है उसको हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में चेंज करेंगे, और इसमें रेगुलर सप्लाई की दी जाएगी, किसकी, एयर की। गर्म तो करेंगे लेकिन रेगुलर सप्लाई, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो क्या था, एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है नॉन मेटेलिक लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एक्स्ट्रा आर रिमूव्ड एट द वोलेटाइल ऑक्साइड। ये किसमें चेंज हो जाती हैं, वोलेटाइल ऑक्साइड में चेंज हो जाती हैं, कौन कौन, फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, ये सब। यहाँ पर जनरली ये जो मेथड होता है रोस्टिंग, ये यूज़ होता है सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर देखिए PbS गैलेना जो है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में O2 से रिएक्ट करेगी तो PbO बना लेगी, ZN जो है वो ZnS जो है वो O2 से रिएक्ट करेगा तो ZnO बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका। सेम अमाउंट ऑफ सिलिका, सम अमाउंट ऑफ सिलिका इज एडेड इन द कॉपर पाइराइट बाय विच आयरन सिलिकेट इज सेपरेटेड एज द स्लैग एंड रेस्ट ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज द कॉपर मैट, CU2 सैंड एंड CU2O, CU2S एंड CU2O। यहाँ पर हम सिलिका की भी क्या करते हैं, थोड़ी सी थोड़ा सा ऐड करते हैं, जिससे कि जो इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलकर क्या बनाती है, स्लैग बनाती है, और तो जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास है वो क्या बनेगा, CU2O या CU2S में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो यहाँ पर कैल्सिनेशन, यहाँ पर देखो सी, अच्छा कैसे पता लगाओगे, कैल्सिनेशन में सी आ रहा है एंड C4 कार्बोनेट CO3। ठीक है, तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट कंपाउंड के लिए काम में आता है, जबकि
रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर के लिए काम में लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इट अकर्स इन द जो कैल्सिनेशन होता है या एब्सेंस ऑफ एयर होता है, जबकि रोस्टिंग जो होती है एयर के प्रेजेंस में होती है। स्मॉल अमाउंट स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, CO2, SO2 इसमें क्या होती है, इवॉल्व होती है, रिमूव होती है, और यहाँ पर केमिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन क्लोरिनेशन एंड रिएक्शन अकर। यहाँ पर क्लोरिनेशन एंड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर होती है इस प्रोसेस में, रोस्टिंग में। द ओर बिफोर पोरस आफ्टर, यहाँ पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद जो ओर हम यूज़ ले रहे थे वो कैसा हो जाता है, पोरस हो जाता है, मतलब आपको उसमें छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम पोरस आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग बाय विच द मेटल ऑक्साइड रिड्यूस टू मेटल ईजीली, और इस वजह से हम मेटल को आसानी से इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पोरस ओर हमें मिल जाता है इस प्रोसेस से। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इज डन बाय द रिवर वेरिट्री फर्नेस, द कॉन्सेंट्रेटेड ओर एंड एसेंशियल सब्सटेंस आर केप्ट एट द बेस ऑफ द फर्नेस। यहाँ पर जो फर्नेस हम यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरीके का होगा, आगे हम पढ़ेंगे इस तरीके का, थोड़ा सा ये इस तरीके का होता है, ठीक है, ये आपको जो डाइग्राम में दिखाई दे रहा है, रूफ़ ऑफ द फर्नेस जो होता है वो कॉनकेव होता है, फ्यूल इज़ बर्न्ड इन द सेपरेटेड प्लेस एंड इट नोज दैट, जहाँ फ्यूल जो होता है वो उसके लिए सेपरेट प्लेस होता है, ओर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वो नहीं होता है। द हॉट फ्लेम हॉट एयर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग फ्यूल प्ले ओवर द हीट मटेरियल बाय गेटिंग रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द कॉनकेव रूफ। फ्लो ऑफ एयर इन फर्नेस इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर होल्स। अब यहाँ पर फ्लो ऑफ एयर है, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है हमें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर हमें उसका बढ़ा देना है फर्नेस का, तो इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए इस तरीके के जो फर्नेस होता है उसमें होल्स भी बने होते हैं ताकि एयर के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन होल्स आर क्लोज्ड वेयर ड्यूरिंग रोस्टिंग होल्स आर ओपन। ये आप एक डिफरेंस में ऐड कर सकते हैं कि जो रोस्ट जो कैल्सिनेशन है उसमें जो हम फर्नेस यूज़ करते हैं उसके होल्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, जबकि रोस्टिंग में होल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्योंकि रोस्टिंग जो है वो किस में होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर। अब आता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड इन ऑफ मेटल्स इनटू द मेटेलिक फॉर्म। अब हम ऑक्साइड को रिमूव करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, मेटेलिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो इसके लिए और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, तो यहाँ पर हम रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन अलग अलग तरीके का होगा, रिडक्शन विद कार्बन जिसको कि स्मेल्टिंग भी बोलते हैं, अब रिडक्शन विद एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस होता है, सेल्फ रिडक्शन अगर होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी होता है जिसको कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी हम बोलते हैं। सम इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़, इनफ्यूजिबल का मतलब होता है जो आसानी से मेल्ट हो जाए और किसी से भी फ्यूज हो जाए। इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ विच रिमेन आफ्टर द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इन ओर, दीज आर नोन एज द गैंग्यू, इनको क्या बोला जाता है, गैंग्यू या मैट्रिक्स बोला जाता है। द रिएजेंट विच इज़ एडेड टू रिमूव गैंग्यू स्टिल प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड फ्लक्स। लेकिन गैंग्यू के रिमूव होने के बावजूद भी ओर में कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, और इनको रिमूव करने के लिए क्या मिलाया जाता है, रिएजेंट मिलाए जाते हैं। व्हेन फ्लक्स इज एडेड द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द फ्यूजिबल प्रोडक्ट वाज कॉल्ड द स्लैग। अब फ्लक्स जो है ये भी इम्प्योरिटीज़ हैं, गैंग्यू जो है वो भी इम्प्योरिटीज़ है, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, स्लैग फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनता है। स्लैग आर जनरली फ्यूजिबल इन फॉर्म ऑफ द मेटल सिलिकेट एंड फॉस्फेट, दे फ्लोट ऑन द सरफेस एंड क्रूड मेटल बिकॉज दे आर लाइट आर सेपरेटेड। ये कैसी होती है, जो हमारे पास फ्यूजिबल प्रोडक्ट बना है, स्लैग बना है, ये लाइट वेटेड होती है तो सरफेस पर कलेक्ट हो जाती है जिसको कि हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इन दिस वे इट इज़ ईजी टू रिमूव गैंग्यू फ्रॉम द रोस्टेड ओर इन फॉर्म ऑफ स्लैग इन कंपैरिजन टू द डायरेक्ट रिमूवल। तो हम यहाँ पर गैंग्यू से पहले क्या बना लेंगे, स्लैग बना लेंगे, क्योंकि ये ऊपर सरफेस पर कलेक्ट हो जाएगा और आसानी से हम इसको रिमूव कर लेंगे। और टू रिमूव एसिडिक गैंग्यू इम्प्योरिटीज़ बेसिक फ्लक्स इज यूज, फॉर एग्जाम्पल एसिडिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो उसमें सिलिका की होती हैं,
और फॉस्फोरस ऑक्साइड की होती है। बेसिक फ्लक्स जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और MgO होता है, SiO2 और MgO। देखो यहाँ पर हम एसिडिक इम्प्योरिटीज़ और फ्लक्स, जो गैंग्यू है और फ्लक्स है, दोनों को मिला देंगे, मतलब SiO2 और CaO को हमने मिला दिया तो कैल्शियम सिलिकेट बना, जो कि क्या कहलाएगा, स्लैग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम गैंग्यू एंड फ्लक्स को मिलाकर किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्लैग को, और स्लैग ऊपर सरफेस पर कलेक्ट हो जाएगा, जिसको कि हम रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अदर वर्ड में अगर हम बात करें तो, अगर अदर वर्ड में हम बात करें तो हमारे पास रोस्टेड ओर गैंग्यू एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लक्स, ये सब मिलाकर हमारे पास क्या बन जाएगा, इम्प्योर एंड क्रूड मेटल और गैसेस में वो चेंज हो जाएगी। अब आता है हमारे पास रिडक्शन विद द कार्बन कोक एंड स्मेल्टिंग। सेकेंड फर्स्ट प्रोसेस जो था स्मेल्टिंग, क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड, जो हमें कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से जो हमें मेटेलिक ऑक्साइड मिला है, अब हम उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम डिफरेंट मैथड यूज़ करेंगे। तो नंबर वन जो मैथड था वो है हमारे पास रिडक्शन विद कार्बन कोक। कोक से हम क्या करेंगे, कोक जो है रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करता है ये ऑक्साइड ऑफ द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक Pb, Zn और Sn, टिन, आयरन एंड कॉपर जो है रिड्यूस्ड व्हेन हीटेड विद द कोक। ये सब रिड्यूस हो जाते हैं किससे, अगर कोक से ये हीट किया जाए। ZnO प्लस कार्बन, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और ऑक्सीजन जो है वो इससे अडेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, ZN अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। व्हेन रोस्टेड ओर, अब रोस्टेड जो ओर है इज हीटेड विद द कार्बन कोक हाई टेम्परेचर रिड्यूस टू मेटल, दिस इज नोन एज द स्मेल्टिंग। इंपॉर्टेंट है कि स्मेल्टिंग किसे कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखें कि जो रोस्टेड ओर है, मेटेलिक ऑक्साइड है, उसको अगर हम कार्बन के साथ रिड्यूस करें तो वो क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है हाई टेम्परेचर पर। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक।